यूपी में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर में नदियों के तटबंध टूटने से कई गांवों और कॉलोनियों में बाढ़ आ गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों तक पानी आ गया है। कुछ छोटे मंदिरों में भी पानी आ गया। वहीं कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान से नदी बस 1 मीटर नीचे बह रही है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। 40 गांव और 12 कॉलोनियों में पानी भर गया है। आगरा से आई ताजा तस्वीरों में दिख रहा है, बेलनगंज स्ट्रेची ब्रिज तक यमुना का पानी आ चुका है। लोगों को यहां चलना भी मुश्किल है। दरअसल यमुना का जलस्तर 495.80 तक पहुंच चुका है। फ्लड लेवल 495 फीट से यमुना ऊपर बह रही है। आगरा में पिछली बार 1978 में बाढ़ आई थी। यमुना का जलस्तर 508 मीटर तक पहुंच गया था। मुरादाबाद के बिलारी में बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में 3 नाबालिग भाई बहन मकान के नीचे मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तीनों को मुश्किल से बाहर निकाला। मलबे में दबे भाइयों के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।